मैंडी फन वर्ल्ड नाम के एक अम्यूजमेंट पार्क में काम करती थी। वो पार्क अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। उस पार्क के एक कॉर्नर में मैंडी को ड्यूटी अलॉट की गई थी। उस कॉर्नर के बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था। अपनी ज्वाइनिंग के फर्स्ट डे उसने वहां एक साइन बोर्ड पढ़ा, एस्केप रूम। अपने को एम्प्लॉय से उसे पता चला कि ये एक गेम था जिसमें कुछ लोगों को गेम्स और पजल सॉल्व करके एक रूम से निकलना होता था। मैंडी क्लॉस्ट्रोफोबिक थी, यानी उसे बंद जगहों से घुटन महसूस होती थी, जिसकी वजह से उसे सांस आनी बंद हो जाती थी। इसलिए उसने सोचा कि उसकी भलाई उन एस्केप रूम्स से दूर रहने में ही है। रूम के अंदर उसने अलग अलग तरह के लोगों को जाते हुए देखा था, लेकिन उन रूम्स के अंदर क्या और कैसे होता था ये उसे कभी समझ नहीं आया। एक दिन मैंडी की इवनिंग शिफ्ट थी और वो अपने काम में लगी हुई थी। कुछ देर बाद वहां हुडी पहने एक लड़का आया। वैसे तो एस्केप रूम में क्रू मेंबर्स के बिना किसी का भी जाना अलाउड नहीं होता था, मगर उस लड़के ने रूम में अकेले जाने की जिद की। उसने मैंडी को इस काम के लिए एक्स्ट्रा टिप भी दी। मैंडी को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने उसे रूम की कीज फिर भी दे दी। रूम ऑपरेटर के ग्रीन सिग्नल के बाद वो लड़का अंदर चला गया और मैंडी अपनी सीट पर अपने फोन में बिजी हो गई। करीबन कुछ 5 मिनट बाद उसी रूम के दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी। मैंडी ये देखकर थोड़ा घबरा गई। उसने ऑपरेटर रूम में कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। जब वो वहां गई तो ऑपरेटर रूम में कोई भी नहीं था। किसी के वहां ना होने पर मैंडी खुद ही उस एस्केप रूम की तरफ चली गई। कोई अभी भी दरवाजे को जोर से खटखटा रहा था। अचानक दरवाजे के नीचे से धुआं निकलने लगा और उस रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। सभी आवाजें बंद हो गई थीं। मैंडी उस रूम में गई तो अंदर जाने पर बहुत सारा धुआं था और पूरे रूम में एक लाल रोशनी चमक रही थी। अंदर उस लड़के को ना देखकर मैंडी थोड़ा घबरा गई। अच्छी तरह से ढूंढने पर भी वहां उसे वो लड़का नहीं मिला। तभी एकदम से दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। मैंडी जल्दी से दरवाजे के पास गई, लेकिन तब तक वो दरवाजा बंद हो चुका था। अब मैंडी काफी ज्यादा घबराने लगी थी। उसने दरवाजे को बुरी तरह पीटना और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, पर उसकी चीखों का कोई असर नहीं हुआ। दरवाजा अभी भी बंद था। कुछ ही देर में मैंडी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब मैंडी की आंखें खुली तो वो उसी रूम में थी। रूम में अब कोई धुआं नहीं था, बस एक स्क्रीन लगी हुई थी। वो स्क्रीन को ध्यान से देखने लगी और एकदम से वो स्क्रीन स्विच ऑन हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस रूम के दरवाजे पर कोई सीसीटीवी कैमरा था जिसकी फुटेज उस स्क्रीन पर चल रही थी। मैंडी वहां बैठी हुई उस स्क्रीन पर सभी लोगों को आते हुए और रूम का पजल सॉल्व करते हुए देख रही थी। तभी उसे वहां वो हुडी वाला लड़का उस रूम में आता हुआ नजर आया। वो 5 मिनट वहीं रुका और फिर दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करके कैमरे की रेंज से बाहर आ गया। उसी वक्त मैंडी को वो खुद कमरे में आती दिखी और डर के मारे बेहोश होती दिखी। इसके तुरंत बाद वो स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो गई। फिर जो हुआ उससे मैंडी के रोंगटे खड़े हो गए। वो लाल रोशनी अचानक से गायब हो गई और कोई अदृश्य शक्ति मैंडी को खींचकर उस कमरे के कोने में ले गई। उस कमरे में अब बिल्कुल शांति थी। स्क्रीन की लाइट की वजह से उस कमरे में थोड़ी सी रोशनी हुई। उस रोशनी में मैंडी को वो हुडी वाला लड़का अपने सामने वाले कॉर्नर में बैठा दिखाई दिया। उसे देखकर मैंडी डर उठी, लेकिन उसने दबी आवाज में उस लड़के से पूछा कि क्या उसे
उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता पता है? वो हुडी वाला लड़का उससे कुछ नहीं बोला और बस मैंडी को घूरता रहा। मैंडी को अब फिर से सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। वो लड़का मैंडी की हालत देखकर अजीब ढंग से हंसने लगा और देखते ही देखते उस हुडी वाले लड़के की आंखें काली पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी आंखें निगल गया हो। उस लड़के का शरीर अजीब तरीके से अकड़ने लगा। वो किसी ज़ॉम्बी की तरह उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे मैंडी की तरफ आने लगा। मैंडी जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी और उसने फिर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैंडी की हालत बहुत खराब हो रही थी और वो लड़का इतना भयानक लग रहा था कि मैंडी को लगने लगा कि उसकी मौत अब बेहद करीब है। वो लड़का अचानक मैंडी की तरफ भाग कर आया कि तभी उस रूम का दरवाजा खुला और किसी ने मैंडी को बाहर खींच लिया। उसके सामने रूम का ऑपरेटर और एक इलेक्ट्रिशियन खड़े थे। मैंडी को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। वो दोनों भी मैंडी की हालत को देखकर बहुत डर गए। रूम के ऑपरेटर ने उसे पानी पिलाया और उसे दिलासा दिलाया कि अब वो ठीक है। कुछ देर बाद मैंडी बेहतर महसूस करने लगी। रूम के ऑपरेटर ने तब मैंडी को बताया कि न जाने कैसे उस रूम का दरवाजा जाम हो गया था और किसी को पता ही नहीं चला कि मैंडी उस रूम के अंदर कब पहुंच गई। जब मैंडी ने सबको अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया तो मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। हैरानी की बात थी कि उस फुटेज में ना ही कोई हुडी वाला लड़का दिखा और ना ही मैंडी के साथ हुई कोई पैरानॉर्मल चीजें। ऑपरेटर ने मैंडी को अलग से बताया कि कई सालों से एक अफवाह चल रही है कि उस कमरे में एक बार एक लड़का अकेले चला गया और एक इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ऑपरेटर ने कहा कि वो ये नहीं जानता कि वो सब सच है या झूठ, पर जो भी उस शाम मैंडी के साथ हुआ उससे तो ये कहानी बिल्कुल सच्ची ही लगती है। उस दिन के बाद से मैंडी ने एस्केप रूम की ड्यूटी कभी भी लेने से मना कर दिया, मगर आज तक उसे अपने साथ घटे उस एक्सपीरियंस के भयानक सपने आते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप कभी एस्केप रूम में जाकर खेलना पसंद करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, हमारा चैनल खूनी मंडे जरूर सब्सक्राइब करिए।